नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम अपनी इस एमपी जीके की वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की, और चर्चा करते करते हम मध्य प्रदेश में मौर्य काल तक पहुंचे थे। इस वीडियो में हमें शुरुआत करनी है मध्य प्रदेश में मौर्य काल से, जो कि दोस्तों हमें देखने को मिलता है 322 से 250 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, काफ़ी सारे विद्यार्थियों को ईसवी और ईसा पूर्व में कन्फ्यूज़न होगा। जो भी विद्यार्थी इसकी जानकारी रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इस बात को समझ सकें कि आखिर क्या अंतर है ईसवी और ईसा पूर्व में। ठीक, इतना ध्यान रख लें। मध्य प्रदेश में मौर्य काल 322 से 250 ईसा पूर्व तक की चर्चा हमें करनी है। तीन भागों में बांटकर इसे हमें देखना है। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि को जानेंगे, फिर मौर्यकालीन अभिलेखों की चर्चा करेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, और मेंस एग्जाम में भी जो 2 मार्कर आते हैं उनमें आपको सहायता दे सकता है। फिर मौर्यकालीन स्तूप की बात करेंगे, बहुत सारे फैक्ट का हमें यहाँ पर चर्चा करनी है जिनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि से। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखें, चांदी व तांबे से निर्मित मौर्यकालीन सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो विदिशा, त्रिपुरी जिसे वर्तमान में जबलपुर कहते हैं, उज्जैन, एरन और सतना से प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन सिक्के, जो कि चांदी और तांबे से निर्मित किए गए थे। फिर बात करते हैं दोस्तों कि अशोक को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया था। तो अवंती का राज्यपाल बनाया गया था, और किसके समय में बनाया गया था। तो शासक बिंदुसार के समय में बनाया गया था। कहने का मतलब है, बिंदुसार के समय में अशोक को अवंती का राज्यपाल बनाया गया था। दोस्तों, अवंती को हमने 2 भागों में बांट कर देखा था पिछले वीडियो में। दोनों की राजधानी सहित आप चर्चा कमेंट सेक्शन में कर दें तो बढ़िया रहेगा। ठीक, कितने वर्षों तक अशोक अवंती का राज्यपाल रहा। तो इसका जवाब है दोस्तों, 11 वर्षों तक अशोक अवंती का राज्यपाल रहा। फिर बात करते हैं अशोक के विवाह की। तो दोस्तों, विदिशा नगर सेठ की पुत्री थी महादेवी, तो महादेवी के साथ अशोक का विवाह हुआ था। और ध्यान रखना है दोस्तों, अशोक ने उज्जैनी को अवंती की राजधानी बनाया था। ठीक, फिर दोस्तों, अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इन दोनों को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। इस बात को और ध्यान रखना है, किसे भेजा था, महेंद्र पुत्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को अशोक ने कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो दोस्तों, अशोक ने महादेवी के कहने पर, जो कि इनकी पत्नी थी, इन्होंने सांची स्तूप व वैश्य टेकरी का निर्माण करवाया था। अब इन दोनों की लोकेशन कौन सी है, किस स्थान पर स्थित है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों समाचार के पन्नों से, और फिर चर्चा करेंगे मौर्यकालीन अभिलेखों की। समाचार के पन्नों में आपको ध्यान रखना है, सांची को दोस्तों मध्य प्रदेश की सोलर सिटी और ग्रीन सिटी का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों, सांची में ही मध्य प्रदेश का पहला रेल संग्रहालय बनाया गया। क्या क्या ध्यान रखना है सांची के परिप्रेक्ष्य में, आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली कौन सी, सोलर सिटी का दर्जा दिया गया सांची को मध्य प्रदेश की। दूसरा, ग्रीन सिटी का दर्जा। और तीसरा, रेल संग्रहालय, रेल म्यूजियम सांची में बनाया गया, जो कि मध्य प्रदेश का पहला है। ये तो बात हो गई समाचार के पन्नों से। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं मौर्यकालीन अभिलेखों की। सबसे पहले बात की जाएगी रूपनाथ अभिलेख की। तो दोस्तों, वर्तमान में कटनी जिले की बहुरीबंद तहसील में स्थित है रूपनाथ अभिलेख। सीधा पूछेंगे यदि किस जिले में है, तो आंसर होगा कटनी। और यदि स्थान ही पूछ लिया तो आपको ऑप्शन में बहुरीबंद देखने को मिल सकता है। तो दोनों याद रखने हैं, कटनी जिले की बहुरीबंद तहसील में रूपनाथ अभिलेख स्थित है। और यह भी ध्यान रखना है कि यह मौर्यकालीन है। ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं एग्जाम में,
कि रूपनाथ अभिलेख किस वंश के समय का है, किस काल का है, गुप्त काल, मौर्य काल, उत्तर गुप्त काल, तमाम ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, तब आपको ध्यान रखना है। तो रूपनाथ अभिलेख है मौर्यकालीन। अब बात करते हैं दोस्तों गुर्जराभिलेख की। दतिया में स्थित है और अशोक के नाम का उल्लेख गुर्जराभिलेख में मिलता है, ध्यान रखना है। गुर्जराभिलेख कहाँ पर है? दतिया में स्थित है और अशोक के नाम का उल्लेख हमें इस ही अभिलेख में मिलता है। सांची अभिलेख रायसेन जिले में है, कसराबद अभिलेख खरगोन जिले में है और काली तलाई अभिलेख कटनी जिले में है। तो कटनी में कौन कौन से पढ़े हमने? एक तो रूपनाथ अभिलेख पढ़ा और दूसरा हमने पढ़ा है काली तलाई अभिलेख। रूपनाथ बहोरीबंद तहसील में और काली तलाई के बारे में यहाँ पर कटनी का जिक्र दिख रहा है, ठीक है। कसराबद हमने देखा खरगोन में है, सांची तो सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, रायसेन जिले में स्थित है। गुर्जरा अभिलेख दतिया में है जहाँ से हमें अशोक का नाम जानने को मिलता है, ठीक। फिर बात करते हैं दोस्तों मौर्यकालीन स्तूप की। ये सभी आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे सांची स्तूप की। मैंने आपसे पूछा भी था कहाँ पर स्थित है, तो रायसेन जिले में स्थित है, निर्माण किया था अशोक ने, ठीक। स्तूप में तोरण निर्माण किसने किया था? पुष्यमित्र सुंग ने किया था, ठीक है। इसके अलावा खोजकर्ता थे जनरल टेलर, वर्ष 1818 में इन्होंने सांची के स्तूप की खोज की थी। आपको नाम ध्यान रखना है जनरल टेलर का, इन्होंने खोज की थी सांची के स्तूप की, कब? वर्ष 1818 में। पर यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ? तो ये डेट आपको, ये सन आपको नहीं भूलना कि जो सांची स्तूप है वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और कुछ विशेष तथ्यों की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप, और इस स्तूप में मुद लायन और सारीपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं। किसकी अस्थियां रखी गई हैं? मोगदलायन और सारीपुत्र की अस्थियां। और दोस्तों स्तूप में जो भी अस्थियों को रखने का स्थान होता है उसे कहा जाता है हर्मिका। यदि कभी प्रश्न बन सकता है कि हर्मिका निम्न में से क्या है, तब आपको ध्यान रखना है स्तूप में हड्डियों को रखने वाले स्थान को हम कहते हैं हर्मिका। और यहाँ पर आप इस स्तूप का जो चित्र दिखाया गया है उसमें भी देख सकते हैं कि हर्मिका यहाँ पर हड्डियों का रखने का स्थान होता है। ऊपर छत्र लगा हुआ है, अर्धचंद्राकार गुंबद यहाँ पर जहाँ पर अंडे के रूप में बताया जा रहा है, मेदिया पे देख सकते हैं प्रदक्षिणा पथ होता है जहाँ पर आप परिक्रमा कर सकते हैं, और ये वेदिका देख सकते हैं जहाँ पर जिस आधार पर बनाया हुआ है। तो सांची स्तूप ओवरऑल यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये तो बात हुई सांची के स्तूप की। अब बात करते हैं भरहूत स्तूप, दोस्तों सतना में है, सभी आपको ध्यान रखने हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी वर्ष 1873 में। फिर तुमैन के स्तूप की बात करें तो अशोक नगर में है। वैश्य टेकरी दोस्तों उज्जैन में है, अशोक ने अपनी पत्नी श्रीदेवी के पहरे पर बनवाया था, ऊपर हमें महादेवी नाम देखने को मिला। देवकुठार स्तूप दोस्तों रीवा में स्थित है। सतधारा, सोनारी, अंधेर का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना है आपको जिले के नाम तो सभी स्तूपों के ध्यान रखने हैं। भरहूत कहाँ पर है दोस्तों? सतना में है। तुमैन कहाँ पर है? अशोक नगर में है। वैश्य टेकरी कहाँ पर है? उज्जैन में है। देवकुठार कहाँ पर है? रीवा में है। और ये तीन साथ में याद रख लें, सतधारा, सोनारी और अंधेर का स्तूप कहाँ पर है? ये रायसेन जिले में है जहाँ सांची का स्तूप है। यहाँ मैप में भी सेम चीज़ दर्शाई गई है जो कि मैंने आपको बताई। तो मैन कहाँ पर है? अशोकनगर जिले में है। भरहूत सतना में है। देवकुठार रीवा में है। सांची, सतधारा, सोनारी और अंधेर कहाँ पर है? रायसेन में है। इसी प्रकार से वैश्या टेकरी कहाँ पर है? उज्जैन में है। तो ये तो हो गई स्तूपों की बात, और इस प्रकार से हमने कवर किया मध्य प्रदेश में मौर्यकाल। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में ब्राह्मण साम्राज्य की। 250 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक की चर्चा होगी, जिसमें दो वंश की हम बात करेंगे, शुंग वंश और सातवाहन वंश। शुरुआत होगी दोस्तों मध्य प्रदेश में शुंग वंश से, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है सबसे पहले कि भाई शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, और राजधानी थी दोस्तों विदिशा या भेलसा नगर। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक।
फिर दोस्तों ध्यान रखना है, पुष्य मित्र सुंग ने अपने शासन काल में पुत्र अग्नि मित्र को विदिशा का शासक बनाकर भेजा था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि पुष्य मित्र सुंग ने अग्नि मित्र को विदिशा का शासक बनाकर भेजा था। और दोस्तों सुंग वंश की जानकारी कालिदास की पहली रचना मालविकाग्निमित्रम से मिलती है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि मालविकाग्निमित्रम से निम्न में से किस वंश की जानकारी मिलती है, तब आपको काम में आएगा, शुंग वंश की जानकारी हमें मालविकाग्निमित्रम से मिलती है। पर दोस्तों मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र व मालविका का वर्णन हम सभी जानते हैं, नाम से ही समझ में आता है जब आप उसका संधि विच्छेद करते हैं तो। ठीक दोस्तों, शुंगकालीन मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर की बात करें तो सांची ध्यान रखेंगे, उज्जैन और सतना आप ध्यान रखेंगे। यदि बात करें शुंग वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, तो दोस्तों पुष्य मित्र शुंग के अलावा अग्निमित्र, वसुमित्र, भागमित्र या भाग व देवभूति आपको शुंग वंश के प्रमुख शासक मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। पर दोस्तों पुष्य मित्र शुंग ने सेनानी दधीच जी की उपाधि धारण की थी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेनानी दधीच जी की उपाधि निम्न में से किसने धारण की थी, तो पुष्य मित्र शुंग ने धारण की थी, इतना ध्यान रखना है। फिर दोस्तों राजा भाग या भागमित्र ने या इनके समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। अब पूछा जा सकता है कि हेलियोडोरस किसके शासनकाल में आया था, तो राजा भाग या भागमित्र के शासनकाल में आया था। हेलियोडोरस का संबंध कहाँ से है, तो आपको ध्यान रखना है हेलियोडोरस का संबंध यूनान से है। ठीक दोस्तों, हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया था जिससे भागवत धर्म वैष्णव धर्म के साक्ष्य मिलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। और दोस्तों गरुण स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। और दोस्तों देवभूति इस शुंग वंश का अंतिम शासक था, ये भी ध्यान रखना है। जो गरुण स्तंभ है भगवान विष्णु से संबंधित है, और देवभूति इस नाम को नहीं भूलना, देवभूति पुष्य मित्र शुंग सीढ़ी की बात करें शुंग वंश का अंतिम शासक था, इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में गरुण स्तंभ विदिशा को देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि जो पुष्यमित्र शुंग था बौद्ध धर्म का विनाशक था या संरक्षक था, तो दोस्तों इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि जो पुष्यमित्र शुंग हैं इन्होंने बौद्ध धर्म को विनाश करने का काम किया है, तो बहुत सारे इतिहासकार इनको बौद्ध धर्म का विनाशक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा जाता है 1000 बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके उनको सरयू नदी में फिकवा दिया था। लेकिन कुछ इतिहासकार इनके विपरीत मत भी रखते हैं, उनका कहना है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जा सकता है, क्योंकि इसने सांची स्तूप व बारूद स्तूप में तोरण द्वार का निर्माण कराया था। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हो सकता है किसी विद्यार्थी को इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो, उसने कहीं से बहुत ज़्यादा जानकारी जुटाई हो, बहुत डीप स्टडी करी हो, कोई रिसर्चर रहा हो इतिहास में या इस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो उनको ज़्यादा जानकारी हो सकती है, तो अपने विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा कर दें। तो ये तो हमने अब तक बात कर ली दोस्तों शुंग वंश की मध्य प्रदेश के अंदर। अब हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश की, संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। और दोस्तों मध्य प्रदेश में इनके सिक्के के साक्ष्य, किसके सिक्के, सातवाहन वंश के सिक्कों के साक्ष्य त्रिपुरी, वर्तमान का जबलपुर, देवास, उज्जैन और विदिशा से प्राप्त हुए हैं। यदि प्रमुख शासकों की बात करें तो सिमुक, शतकर्णी, पुलवामी पुत्र, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, ये प्रमुख शासक रहे हैं। और दोस्तों अधिकतम शासकों का नाम इनकी माँ के नाम पर मिलता है। यदि कार्यों की बात करें सातवाहन वंश के, तो इनमें दोस्तों इन्होंने ब्राह्मणों को भूदान देना प्रारंभ किया, गौतमी पुत्र शतकर्णी ने शीशे के सिक्के चलाए, उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया, तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच सेतु ब्रिज का काम किसने किया, सातवाहनों ने किया। ठीक है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। ठीक, और दोस्तों अजंता व एरोरा के गुफाओं के समूह में कुछ गुफाओं का निर्माण भी सातवाहन वंश के शासकों ने करवाया था। इतनी कुछ चीजें ध्यान रखना है, भूदान,
शीशे के सिक्के, उत्तर दक्षिण भारत में सेतु का काम, अजंता एरोरा में कुछ गुफाओं का निर्माण, तो ये सभी कार्य सातवाहन वंश के शासकों ने किए हैं। यदि बात करें मध्य प्रदेश के अन्य प्राचीन वंश की, तो इसमें आपको नाग वंश, औलीकर वंश मंदसौर का, कामरदक वंश, वाकाटक वंश, परिवर्जक वंश, उच्चकल्प वंश, मेघ वंश, मैकल पांडव वंश, शैल वंश देखने को मिल जाएंगे। तो इनकी चर्चा भी हम संक्षिप्त में कर ही लेते हैं ताकि आप इनके बारे में भी जानकारी जुटा सकें। सबसे पहले औलीकर वंश, दोस्तों मध्य प्रदेश के वर्तमान मंदसौर क्षेत्र से संबंधित है। औलीकर वंश, इनकी राजधानी हुआ करती थी दशपुर। संस्थापक कौन था? यशोवर्मन था। और मालवा नाम देने का श्रेय इन शासकों को ही जाता है। इंदौर का जो रीजन है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, उसे हम मालवा कहते हैं, और ये मालवा नाम देने का श्रेय औलीकर वंश को ही जाता है, इस वंश के शासकों को ही जाता है। दशपुर राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान का मंदसौर क्षेत्र है। और यदि प्रमुख शासकों की बात करें तो याद रखें नरवर्मा, सिंहवर्मन, बुद्धवर्मन आदि थे। इनके नाम के पीछे आपको वर्मन मिल जाएगा, जिससे आप रिलेट करके सही आंसर टिक कर सकते हैं। फिर मेघ या मघ वंश की बात करें तो दोस्तों इस मघ वंश को पुराणों में मेघ वंश कहा गया है, और पहले इस वंश का शासन बुंदेलखंड में था, फिर कौशाम्बी तक विस्तृत हुआ। मघ वंश के सिक्के तथा अभिलेख बांधवगढ़ से प्राप्त होते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है, इसका जवाब आपको ही देना है दोस्तों। ठीक, प्रारंभिक राजधानी इस वंश की बांधवगढ़ ही हुआ करती थी। और शासकों की बात करें तो भीमसेन, भद्रमघ, शिवमघ प्रमुख शासक थे इस वंश के। अब बात करते हैं दोस्तों मैकल के पांडव वंश की। तो दोस्तों इसका विस्तार था मध्य प्रदेश के शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में। ध्यान रखना है शहडोल अनूपपुर क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में था मैकल के पांडव वंश का विस्तार। ठीक है, यदि प्रमुख शासकों की बात करें तो उनके नाम के पीछे आपको सामान्यतः बल देखने को मिल जाएगा, भरत बल, जल बल, नाग बल, धरातल आप याद कर सकते हैं। ठीक, और इतिहास में इनकी कोई जानकारी ऐसी खास मिलती नहीं है, तनाव लेना नहीं है। ठीक है, तो परिवर्जक वंश की बात करें तो बुंदेलखंड के पन्ना जिले में इस वंश का शासन था। परिवर्जक से पन्ना याद कर लें, पासे पन्ना, पासे परिवर्जक। शासकों में देवादय, प्रबंजन, हस्तिन और संजोग थे। सब अलग नाम है, डिफरेंट नाम है। तो देवादय, प्रबंजन, हस्तिन और संजोग आपको ध्यान रखना है, परिवर्जक वंश के शासक हुआ करते थे। उच्चकल्प वंश की बात करें तो दोस्तों यह परिव्राजक वंश का पड़ोसी राज्य था। मध्य प्रदेश के सतना जिले के उचहरा क्षेत्र में इसका शासन था। उचहरा सतना की तहसील है। इस वंश के प्रमुख शासकों में दोस्तों ओघदेव, कुमारदेव, व्याघ्रदेव, जयनाथ और सर्वनाथ थे। इनके नाम जरूर ध्यान रख लें। और उच्चकल्प वंश के बारे में उचहरा क्षेत्र याद रखें, जो कि किस जिले में आता है वर्तमान में, सतना जिले में आता है। वाकाटक वंश की बात करें तो विस्तार विदिशा और पश्चिमी बुंदेलखंड में देखने को मिल जाएगा। और विंध्य शक्ति दोस्तों इसके संस्थापक थे। वाकाटक वंश के बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आपको ध्यान रखना है। फिर नाग वंश की बात करें तो दोस्तों इस वंश का अल्पकालीन शासन विदिशा ग्वालियर में रहा है। भ्रष्ट नाग इसके संस्थापक थे और भीमनाथ के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। ये तो बात हुई नागवंश की। फिर बारी आती है दोस्तों कादर्मक वंश की। कारदामक वंश ध्यान रखना है दोस्तों, कारदामक वंश, मैंने कादर्मक कह दिया, यहाँ पर कारदामक वंश लिखा हुआ है। ठीक है, तो उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में शासन था और यशोमती इसके संस्थापक थे। ध्यान रखना है यशोमती का नाम, ये कारदामक वंश के संस्थापक थे। चष्टन, रुद्रदामन, रुद्र सह तृतीय इसके प्रमुख शासक है। तो शासकों के नाम भी ध्यान रख लें। तो यहां तो हमने बात कर ली मध्य प्रदेश की, कुछ अन्य वंश, ब्राह्मण वंश की भी चर्चा विस्तार से की, जिसमें दो वंश मुख्य रूप से हमने देखे, शुंग वंश और सातवाहन वंश। इसके अलावा दोस्तों अब हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश में गुप्त काल की, 240 से 590 ईस्वी तक की। तो दोस्तों इसकी चर्चा हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में गुप्तकाल की। तब तक के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, लगातार मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है। जो भी प्रश्न पूछे उनके जवाब कमेंट में जरूर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।